हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोग अपने स्नेल के डाइट में एग शेल को कैसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आता है कि मैं अपने स्नेल को एग शेल जो है वो क्यों फीड करूं। सो फ्रेंड्स, स्नेल का जो शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है। जो भी हम लोग फिशेज का रेगुलर पैलेट्स उन लोगों को देते हैं वो उन लोग के लिए इनफ नहीं होता, तो इसीलिए फिश शॉप में स्नेल्स के लिए काफ़ी वेराइटीज का फूड आता है। आप चाहे तो वो सब भी परचेज कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्नेल का जो फूड है उसको आप लोग बहुत ईजिली अपने घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ये जो कि मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले देसी मुर्गी या फिर पोल्ट्री मुर्गी, आप ये जो एग देख रहे हैं ये कोई भी एग आप ले सकते हैं, आपको जो भी ईजिली मिल जाता है आप उसी को ले लीजिए। और उसके बाद आपको उस एग को बॉयल करना है और जो शेल है उसको एग से रिमूव कर देना है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। और ये जो व्हाइट कलर का जो चीज़ निकल रहा है इसको हम लोग को कम्प्लीटली अच्छे से एग का शेल से इसको रिमूव करना है। ये जो व्हाइट चीज़ है ये हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को जो बस चाहिए वो है एग का शेल। सो इसको आप लोग इजिली अपना टाइम लेके कीजिए। सो फ्रेंड्स, मेरा लगभग जमा हो गया है एग का शेल, जिसको कि आप अभी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो आप लोग ये एग शेल को देख रहे हैं इसको बस हम लोग को थोड़ा महीन करना होगा, जिसको कि आप ऐसे ही सिंपली बस क्रश करके कर सकते हैं। और आप लोग जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली क्रश हो जा रहा है, बस आप लोग को ऐसे ही क्रश करना है। इस पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा इसको क्रश नहीं करना कि ये पाउडर हो जाए, और अगर ज़्यादा ही महीन हो जाएगा, जिसका मतलब वो पाउडर हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका स्नेल जो है उसको सही से खा नहीं पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बस इतना ही उसको महीन करना है, जितना महीन आप लोग का स्नेल जो है वो उसको ईजिली खा सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं कि मेरा जो एग शेल का पाउडर है वो अभी कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को भी बस इतना ही महीन करना है जितना महीन आप अभी देख सकते हैं। और ये जो साइज़ है एकदम परफेक्ट साइज़ है, दोनों बड़े या छोटे स्नेल्स के लिए। चलिए अब ये पाउडर शेल को स्नेल्स को फीड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मेरी जो स्नेल है वो एग शेल को काफ़ी ज़्यादा शौक से खा रही है। तो फ्रेंड्स, सारी जो स्नेल होती है वो स्टार्टिंग से ही एग शेल खाती नहीं है, उसको आपको ऐसा खिलाने के लिए आदत दिलवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने फिशेस को फीड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली 15 से 20 मिनट बाद आपकी जो स्नेल है एक्वेरियम में वो आपके एक्वेरियम के टॉप में आ जाएगी, और जो भी ऊपर में बचा कुचा पैलेट होगा उसको वो खाने लगेगी। स्नेल्स लोग का खाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो लोग एक्वेरियम के टॉप में आती है और उसके बाद अपना हाथ या पैर आप जो बोलिए उसको वो लोग पूरा स्प्रेड कर देती है, जिससे कि उसका आसपास जो कुछ भी रहता है वो उसके पास खींचा चला जाता है, और उसके बाद उसको वो कलेक्ट करके खाती है। बस आप लोग इसी टाइम पे जब वो अपना हाथ को स्प्रेड करेगी पानी के ऊपर आके, तब आप लोगों को 1 पिंच एग का जो शेल है उसको उसके हाथ में स्प्रेड कर देना है, और साथ ही साथ कुछ पैलेट्स भी आप लोगों को डाल देना उसी समय, जिससे कि वो पैलेट समझ के गलती से एग शेल को खाए। और ऐसा आप लोगों को बस कुछ दिन तक करना है, जिससे कि स्नेल को आदत हो जाए एग शेल खाने का। और फिर जब आपका स्नेल को आदत हो जाएगा एग शेल खाने का, तब आप लोग बस उसको पानी के ऊपर में स्प्रेड कर दीजिएगा। वो क्या होएगा, वो फिर धीरे धीरे नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा, और उसके बाद आपकी जो स्नेल है उसको वहाँ से वो खोज के खा लेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि स्नेल्स को सिर्फ पैलेट्स का ज़रूरत नहीं होता, वो लोगों को साथ ही साथ कैल्शियम का भी ज़रूरत बहुत होता है। जो स्नेल्स हेल्दी रहती है उसका आप देखिएगा जो शेल होगा वो बहुत येलो होगा, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा चिकना होगा। और जो स्नेल्स को कैल्शियम जो है वो सही मात्रा में अगर नहीं मिल रहा है, तो वो लोगों का जो शेल होगा उसमें आप देखिएगा बहुत सारा छोटा छोटा क्रैक्स आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर उस स्नेल को कैल्शियम नहीं मिला तो उसका जो शेल है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि वो एक छोटा सा हिट से ही बस टूट जाएगा, और उसके बाद जो आपकी स्नेल है वो मर जाएगी। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो स्नेल रिलेटेड था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि फ्यूचर में भी आप लोग मेरा और वीडियो को देख पाएं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।